यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से एक बड़ा अपडेट्स निकल कर आया है जो कि तमाम बच्चों को यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं। आप लोगों को बता दें कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से एक अपडेट्स आया है 6 जुलाई का, जिसमें क्लेरिफिकेशन दिया गया है। UGC की तरफ से रेगुलर मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई है, अपॉइंटमेंट्स ऑफ द टीचर एंड अदर अकेडमिक स्टाफ्स के बारे में, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में टीचर के स्टाफ वगैरह सेटअप किए जाते हैं हर साल, तो टीचर के स्टाफ के लिए मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन के बारे में जहाँ पर बात की गई है। आप लोगों को बता दें कि पहले पता क्या होता था, असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म लगते थे। असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं ना, जो कॉलेज में होते हैं, जहाँ आप लोग यूनिवर्सिटी में होते हैं, स्टाफ की हर साल वैकेंसी निकलती रहती है, तो ये आप लोगों को ये फॉर्म फिल करना चाहिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन की है, आपने MA की हुई है, BEd की हुई है, उसके बाद काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो PhD करते हैं, तो PhD करने के बाद जाके ये फॉर्म फिल कर सकते थे आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का। बट जहाँ पर एक क्लेरिफिकेशन आई है, क्लेरिफिकेशन में कहा है कि अगर आप नेट का एग्ज़ाम या सेट या स्लिट का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर भी आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल कर पाओगे, चाहे आपकी PhD ना हो। पहले पता क्या होता था कि आपको नेट का भी एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता था, उसके बाद नेट स्लेट या सेट का एग्ज़ाम क्लियर करो, उसके बाद PhD भी करो, फिर जाके फॉर्म फिल होता है। बट ऐसा नहीं है, जहाँ पर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे दी है, जहाँ अगर आप लोग PhD कर लेते हैं तब भी आप फॉर्म फिल कर लोगे, या फिर आप लोग नेट सेट का एक आधा एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे फिर भी आप लोग इसका जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता, काफ़ी बच्चे ग्रेजुएशन करके या MA करके आप लोग ऐसे बैठे रहते हैं, तो आपको MA करके नेट का एग्ज़ाम देना चाहिए, सेट का एग्ज़ाम देना चाहिए। अगर क्लियर हो जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो हर साल काफ़ी बच्चे जम्मू कश्मीर से लगते हैं, जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तमाम कितने इंस्टीट्यूट हैं, तो वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती रहती है। बट आपके लिए जहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, बट होल्डर आप PhD डिग्री awarded as UGC regulation vetted from the net slot they were eligible recruitment, यानी कि जो जिन्होंने PhD की हुई है वो बिना नेट के भी जहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी दोस्तों। ये UGC की तरफ से अपडेट्स आया, काफ़ी बच्चे इसके बारे में पूछ रहे थे क्या नया अपडेट है, यही अपडेट है। तो आप लोगों को बता दें कि नेट का एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए कम से कम आपकी MA होना बहुत ज़रूरी है।